रिफाइंड व पाउडर से बन रहा था मिलावटी दूध। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। तहसील मार्ट के गांव भदनबरा खाद्य विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब मुखबिर की सूचना पर एसएस निरंजन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मथुरा मुकेश कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मार्ट हुकुम सिंह खाद्य सुरक्षा सहायक अपनी टीम के साथ राजागढ़ी रोड भदनबरा पर चल रही फर्जी पनीर की फैक्ट्री पर छापा मारा तो भारी मात्रा में नकली पनीर दूध 6 पीपे रिफाइंड से भरे हुए एवं माल बनाने के उपकरण मिले। टीम ने मौके पर मिले पनीर दूध क्रीम के सैंपल लेकर सील किया व मौजूदा हालत में मिले करीब 1000 लीटर मिलावटी दूध व करीब 50 किलो पनीर के साथ मिलावटी दूध से निकाली गई क्रीम को नष्ट कराया गया। यहाँ पर गलत पनीर बनाया जाता है तो हमने नए टीम के यहाँ पर कार्रवाई की और यहाँ मौके पर हमको रिफाइनरी मिली, पाउडर मिला और खराब पनीर मिला, दूध भी मिला जी। सभी को हमने जब्त कर लिया और नमूना ले लिए गए हैं और जो खराब हुई उसको नष्ट कराया जा रहा है जी। किस जगह संचालित है ये फैक्ट्री? ये सर ये भदनवारा, ये राजागढ़ी रोड भदनवारा में है जी। इसकी काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी, ये अवैध काम है। वो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके पास इनके जो जो नकली दूध है उसका सैंपल लिया जा रहा है और बिना लाइसेंस के चल रही थी। हाँ, बिना लाइसेंस। पूर्व खाद्य विभाग की टीम को देख फैक्ट्री चालक व कारीगर मौके से फरार हो गए। खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी का संचालन किया जा रहा था जिसमें सिंथेटिक दूध तैयार करके उसका पनीर बनाते थे और पनीर बना के मार्केट में जाता था और मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पर औचक छापा मारा गया है। इनका पूरा उससे बनाने का पूरे सामान प्राप्त हुआ है। सिंथेटिक बनाने के लिए इनके पास पाउडर भी है, रिफाइंड भी है और दूध तैयार किया जा रहा था, दूध से फिर पनीर बनाते थे जी। हाँ, तो क्या मालिक पकड़ा गया यहाँ पे? मालिक फरार हो गया है, टीम को देखते ही मालिक फरार हो गया। इनका पूरा जो बनाने के जितने उपकरण हैं ये पूरे जब्त कर लिए जाएंगे और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।